टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लोबिया। ये देखिए इस तरह का होता है सूखा ना, ब्लैक आई बीन भी इसको बोलते हैं, देख रहे हैं ना। और ये हमने 6-7 घंटे भिगो दिया था, इसका पानी जो है निखार लिया है और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। तो अब हम इसको कुकर में उबालने के लिए चढ़ाते हैं। और ये देखिए हमने पानी अच्छे से निकाल दिया इसका। और इसमें हम डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक थोड़ा, हम छौंक में भी डालेंगे तो थोड़ा इसमें डाल देंगे उबालते समय, और पानी डालेंगे फ्रेश। पानी हम इसे ना 1.5 इंच ऊपर रखेंगे, जैसे ये है ना 1.5 इंच ऊपर। और इसमें विसल लगाएंगे एक। और ये देखिए एक विसल लगने के बाद हमने कुकर को अपने आप ठंडा होने दिया और ये बहुत अच्छे से ना गल गए हैं। तो मसाला तैयार करते हैं। 1 चम्मच हमने पैन में घी डाला है, थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है, गर्म होने की इंतज़ार करते हैं। गर्म होने के बाद हम डालेंगे इसमें खड़े मसाले। 2 लौंग हैं, इलायची है 1 बड़ी, 1 छोटी इलायची है, 1 तेज पत्ता है। थोड़ा डालेंगे हम इसमें ये जीरा 1 टीस्पून। इनको भून लेंगे। आप उबलते हुए भी इसको डाल सकते हैं, जब आप उबाल में रखते हैं ना लोबिया तब भी आप खड़े मसाले डाल सकते हैं, अच्छी सी इनमें खुशबू आ जाए, हल्का सा भुनना शुरू हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज जो हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 प्याज हैं हमारे। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च का फ्लेवर भी ना इस तरह से डालने से बहुत अच्छा आता है। आप टमाटर के साथ भी इसको पीस सकते हैं, बट अगर आप इस तरह से डालेंगे तो भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। प्याज देखिए भुनना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। ये अदरक लहसुन पेस्ट भी हमने डाल दिया है, इसको अच्छे से भून लेंगे साथ में, कच्चापन निकल जाए। देखिए प्याज भुनना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा हमने तेल भी नहीं डाला है। और जो हमने लोबिया भिगोया था ना वो भी हमने 325 ग्राम के करीब लिया है, आप कम कर सकते हैं। ये देखिए जब इस तरह से ये हल्का भुनना शुरू हो जाए, गैस को धीमा कर दें। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा हींग। हींग का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप जरूर हींग यूज करें। मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए प्याज कितने अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। हल्दी थोड़ी सी हमने उबलने में भी डाली है, थोड़ी सी अब डालेंगे। 1 चम्मच बड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला 1/2 टीस्पून, नमक थोड़ा सा मसाले में क्योंकि हमने उसमें उबलते में भी डाला है, आप चाहें तो उबालते वक्त ना भी डालें, थोड़ा सा उसमें अंदर टेस्ट आ जाता है। ये डाल रहे हैं हम कश्मीरी मिर्च जो तीखी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा देती है। तो जल्दी से हम इन मसालों को चलाएंगे, गैस को हमने धीमा कर रखा है। अगर आप ऐसे जल्दी से नहीं चला सकते तो आप पानी में थोड़ी देर मिलाकर ये मसाले रख दें और फिर भूनें। कुछ सेकंड्स के लिए हम इनको भूनेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, हींग की खुशबू है, मसालों की खुशबू है। और अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर की प्यूरी जो हमने टमाटर को पीस के रखा है। ये 3 टमाटर हैं, 3 बड़े टमाटर हमने लिए हैं, इनको अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए मसाले ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे से भुन गया है। जब ऐसा मसाला भुन जाए ना तब समझे कि सब्जी के लिए टेस्टी सा मसाला तैयार है ना, जब इस तरह से वो पैन में हमने घी या तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। अब देखिए ये देखिए बिल्कुल भी नहीं छूटा है, अदरवाइज जब आप ज़्यादा तेल डालते हैं एक तो भुन जाता है आसानी से, फटाफट उसमें
ऑयल और कलर आ जाता है तो वो देखने में अच्छा लगता है, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैंने कम ही डाला है। अब मैंने ये थोड़े से बॉयल लोबिया अलग से निकाले हैं, वो मैं इसमें डाल दूंगी मसाले में, और इसको मैं मैश करूंगी ताकि जो तरी है ना वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए, वो अलग अलग नहीं रहेगी ना दाल अलग। और ये तो जब आप रोज कोई एक दो दाल बनाते हुए बोर हो जाए तो ये लोबिया जरूर बना के देखिए, चावल के साथ, चपाती के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हम इसको मैश कर देंगे और एक दो सेकंड के लिए भूनेंगे। देखिए इस तरह से मैश हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा गला हुआ है और ये थिक ग्रेवी बनेगी इससे ना। जब आप इस तरह से मैश कर देंगे तो ग्रेवी जो है ना अपने आप ही बहुत थिक हो जाएगी। एक मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इस समय इस स्टेज पर ना आप ये जो खड़े मसाले हैं ये निकाल सकते हैं क्योंकि इसका अरोमा जो है वो मसाले में आ गया है। इस तरह से हम एक एक करके खड़े मसाले निकाल देंगे और अब हम ये सारा भुना हुआ मसाला ना कुकर में डाल देंगे। यकीन मानिए ये बहुत बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से ना, आप बनाकर जरूर देखिए। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए जितनी थीक आपको रखनी है ना ग्रेवी उतना रखें। मैं चावल के साथ बना रही हूं तो थोड़ा सा मैं इसको पतला रखूंगी, ठीक है। अब हम इसको एक दो बाल आने देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरा घर का पिसा हुआ है, बड़ा बहुत अच्छा है, बहुत मैंने इसको उस पर भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला, बहुत बढ़िया खुशबू है। अब देखिए ये कितना अच्छा ही कलर लग रहा है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे देसी घी, ऑप्शनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दाल में और सब्जियों में। ऊपर से डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिया और इसको करेंगे मिक्स। तो आइए करते हैं प्लेटिंग इस यमी सी दाल की, लोबिया की। और ये देखिए हमारी ये यमी सी सब्जी बनकर तैयार है। थोड़ा और हम ऊपर से इसमें हरा धनिया कटा डाल देते हैं। और ये देखिए, जरूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।